नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। रिपब्लिक भारत के लुमिनस स्टूडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। सुबह के 9 बज चुके हैं। इस बुलेटिन में मेरे साथ महिमा और पुनीता भी होंगी। बड़ी खबर आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर के उरी से, जहां पर एक घुसपैठिया को मार गिराया है। आपको बता दें, लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा था, एक बड़ी सफलता मिली है सुरक्षा कर्मियों को। 5 आतंकी छिपे हुए हैं, इस तरह का इनपुट मिला था, और यहाँ पर एक घुसपैठिया को मार गिराया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर के उरी से, जहाँ पर सुरक्षा कर्मियों को बड़ी सफलता मिली है, एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। उरी में घुसपैठ की खबर के बाद सर्च ऑपरेशन चल रहा था, 5 आतंकियों की घुसपैठ की खुफिया जानकारी मिली थी। ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के उरी से, जहाँ पर एक घुसपैठिया ढेर किया जा चुका है। सर्च ऑपरेशन में बड़ी सफलता मिली है सुरक्षा कर्मियों को। आपको बता दें, जिस जगह पर इस घुसपैठिया को ढेर किया है, उसके आसपास ही बाकी और आतंकी छिपे हुए थे। ये आंकड़ा 5 का बताया जा रहा है, और इसी बीच एक आतंकी को, एक घुसपैठिया को ढेर किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर के उरी से, जहां पर एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और सुरक्षा कर्मियों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक आतंकी ढेर किया जा चुका है, बाकियों को ढूंढने का, खोजने का प्रयास लगातार चल रहा है। देखिए, लगातार आपको बता दें कि अभी आपको प्रियंका बता रही, सर्च ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। रावत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि ज्यादा अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। एक आतंकी को ढेर की खबर मिल रही है, बाकी 4 आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। इस वक्त वहां पर क्या हालात बने हुए हैं, क्या अपडेट है रावत? जी हाँ, बिल्कुल, हम लगातार देख रहे हैं किस तरह से घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट सुरक्षा बलों का जारी है, और लगातार सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि पाकिस्तान की कुछ लॉन्चिंग पैड से कुछ आतंकी कश्मीर घाटी के ओरी सेक्टर में घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद कल रात से हम देख रहे हैं किस तरह से सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट जो है उरी सेक्टर में शुरू हो गया था। इस सेक्टर की अगर हम बात करें, लगातार हमने पिछले कई सालों में देखा है, लगातार पाकिस्तान के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि आतंकियों को कश्मीर घाटी में घुसपैठ कराने की। उसके बाद लेकिन सुरक्षा बलों के लिए इस वक्त ये बड़ी सफलता मिल पा रहे हैं। रियासी अटैक के बाद हम देख रहे हैं किस तरह से सुरक्षा बलों ने फिलहाल इस मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया गया। सुरक्षा बलों को इनपुट मिला था कि 5 आतंकी यहां पर मौजूद है। उसके बाद यहां पर हमने देखा किस तरह से ऑपरेशन जो है लगातार जारी है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि इस तरह भी सुरक्षा बलों का जो ऑपरेशन है लगातार जारी है। बीएसएफ के साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और राष्ट्रीय राइफल्स का जो ऑपरेशन है लगातार एरिया के अंदर अभी भी जारी है। फिलहाल इंटेलिजेंस बेस्ड इनपुट ये भी है कि 250 के करीब आतंकी जो है पाकिस्तान के लॉन्चिंग पैड्स में POK में जो ट्रेनिंग करके रेडी है, और वो कभी भी कश्मीर घाटी के साथ साथ जम्मू में घुसपैठ करने के प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन इसी के साथ हमने देखा किस तरह से इंटेलिजेंस बेस्ड एजेंसी पहले ही घाटी के अंदर हाई अलर्ट जो है जारी कर दिया गया था। उसके बाद हम देखने लगातार अभी भी जगह जगह पर हाई अलर्ट है, और लगातार इस ऑपरेशन को फिर से एक बार सुबह शुरू कर दिया गया है। जी महिमा जी, एरावत, और देखिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार देखिए सुरक्षा बलों की मुस्तैदी नजर आ रही है, उसी का नतीजा ये है कि एक एक करके आतंकियों का खात्मा हो रहा है। और उरी में जिस तरीके से घुसपैठ की कोशिश की गई थी आतंकियों की तरफ से, और सुरक्षा बलों की मुस्तैदी की वजह से सफलता हाथ लगी है, जिसमें एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते, इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है नीट पेपर लीक को लेकर। आपको बता दें कि अब जांच की आंच महाराष्ट्र तक पहुंच चुकी है, की शुरुआत होती है, इसके बाद बिहार, झारखंड और अब महाराष्ट्र तक जो है जांच की आज पहुंच चुकी है नीट पेपर लीक से जुड़ी। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, अहम जानकारी सामने आ रही है। NTA पर देखिए लगातार सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब एक्शन में शिक्षा मंत्रालय नजर आ रहा है। आप बता दें कि महाराष्ट्र पुलिस अब पूछताछ कर रही है, बिहार के इनपुट के आधार पर ये कनेक्शन मिला, और इसके बाद महाराष्ट्र में जाकर जो पुलिस है वो लगातार ATS जो है वो पूछताछ कर रही है, महाराष्ट्र पुलिस की भी लगातार पूछताछ हो रही है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। किस तरह देखिए, जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है और परत दर परत जो है कई खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं, इस बीच ATS कई लोगों से पूछताछ कर रही है। अब महाराष्ट्र भी पहुंच चुकी है ATS, जहां पर पूछताछ हो रही है नीट पेपर लीक कांड से जुड़ी। इस वक्त की ये सबसे बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है।
जी पुनीत, और इसी बीच ये सवाल उठ रहा है कि आखिर कितने गुनेगार, आपने पहले बिहार से सुना, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश से भी खबरें सामने आई, झारखंड और महाराष्ट्र से भी खबर सामने आ रही है। अपडेट आपको बताते हैं कि पूरा अपडेट अब तक क्या है। तो लीक विवाद के बीच एनटीए में सबसे पहले बड़ा बदलाव किया गया। एनटीए के डीजी सुबोध कुमार अब हटाए गए हैं, उनके बदले जिम्मेदारी किसी और को सौंपी गई है। प्रदीप सिंह खरोला अब नए डीजी बने शिक्षा मंत्रालय ने, और इसके अलावा एक हाई लेवल कमेटी भी यहां पर बनाई जो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। विशेषज्ञों की हाई लेवल कमेटी बनाई गई है, 2 महीने में कमेटी मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। और देखिए नीट पेपर लीक की जांच अब सीबीआई करने वाली है, आपको पहले भी हमने बताया था। इस पूरे मामले में अब तक 15 से ज्यादा गिरफ्तारी हो चुकी है, एक एक करके कई नाम सामने आ रहे हैं, और इसके अलावा राजनीतिक तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही थी कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। लेकिन अपडेट आपको फिलहाल हम बता रहे हैं कि अब तक 15 से ज्यादा गिरफ्तारी हो चुकी है। नंबर 2 हाई लेवल कमेटी इसके लिए बनाई गई जो इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल करते हुए नजर आएगी। लेकिन अब यह नया अपडेट लगातार सामने आ रहा है, और ज्यादा जानकारी आपको विस्तार से मेरी सहयोगी प्रियंका देंगी।